तो यारो कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज से कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मूवी का टीजर लॉन्च किया गया, आदि पुरुष का, सबको ही पता होगा, और जिसको लेकर कि इंटरनेट पर मीम्स बने और काफी मजे लिए जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी चलती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो टीजर में जिसके सबसे ज्यादा मजे लिए जा रहे हैं वो है इसके VFX और CGI। और क्योंकि मूवी का बजट 500 करोड़ है तो भाई साहब इन्होंने 500 करोड़ रुपए लगाए कहां और VFX CGI में लगाए हैं तो फिर वो कार्टूनिस्ट क्यों लग रहे हैं। इन्हीं सब बातों के ऊपर मैं आपको इधर उधर से उठाया थोड़ा बहुत ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटा भीम देखने के साथ। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन्होंने 500 करोड़ कहाँ खर्च किए। तो मूवी में प्रभास हैं तो उनकी फीस को लेकर अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 100-150 करोड़ तो ले ही गए होंगे। इसके बाद बताया जा रहा है कि मूवी में 200 से 250 करोड़ रुपए का खर्चा इसके सिर्फ VFX पर किया गया है, जो कि देखकर तो नहीं लगता क्योंकि भाई कार्टूनिस्ट लग रहे हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले कि मूवी में VFX और जो हमको शॉर्ट देखने को मिले हैं CGI के, वो आखिरकार कार्टून टाइप क्यों लग रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दो कंडीशंस बताने की कोशिश करूंगा मूवीज को शूट करने की। तो फर्स्ट कंडीशन, जिसमें कि सेट डिजाइंस या रियल लोकेशंस पर जाकर एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस को कैप्चर किया जाता है और बाद में उसमें CGI और VFX डाला जाता है, जो कि काफी अच्छा तरीका है। लेकिन सेकंड कंडीशन ये है कि बस एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस को कैप्चर करते हैं और उसके बाद जो हमको VFX CGI या फिर बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है वो सब कुछ कंप्यूटर द्वारा उसमें डाला जाता है। यानी कि जो भी आप उसमें सब कुछ देख रहे हो सिवाय एक्टर के वो रियल नहीं है, सब कुछ कंप्यूटर द्वारा डाला गया है और जिसको केयरफुली ना किया जाए तो वो रियल फील नहीं होगा, जिसका रिजल्ट आप टीजर में देख भी सकते हो कि क्या निकल कर आया है। तो यहाँ पर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डायरेक्टर ने सेकंड वाली कंडीशन चुनी, उन्होंने सोचा कि कौन सेट पीसेस और सेट डिजाइन बनाकर या रियल लोकेशन पर जाकर शूट करेगा, हम एक्टर के परफॉर्मेंसेस को कैप्चर करेंगे और सब फिर कंप्यूटर पर बनाएंगे। तो डायरेक्टर का ये प्लान फेल हो गया। देखो इसको लेकर डायरेक्टर का विजन तो काफी अच्छा था, लेकिन इनका विजन और इनका बजट सेम नहीं था, क्योंकि जिस टाइप की ये मूवी बनाना चाह रहे थे उसमें पैसा तो काफी लगता है, लेकिन इनको जो पैसा दिया गया था वही इन्होंने सही से यूज नहीं किया, तो अब इनको पैसा कौन देगा। तो मैं सब कुछ कंप्यूटर पर बनाने की बात कर रहा था। तो यहाँ हमको टीजर में कुछ ग्लिम्पसेस या शॉट देखने को मिलते हैं वानर सेना और रावण सेना के, जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर पर बनाए गए हैं, जिनको कि एनिमेट किया गया है, उनकी कोई रियल में शूटिंग नहीं की गई, सब कुछ कंप्यूटर पर डिजाइन किया गया है। तो फिर वो एनिमेटेड क्यों नहीं फील होगा, क्योंकि जो भी कैरेक्टर्स या हम वानर सेना या रावण सेना देखने को मिल रही है वो कंप्यूटर में डिजाइन की गई है। तो पूरे इस शॉट में हमको 3D वाला एनिमेशन ही देखने को मिला, जिनको देखने के बाद कोई भी बता देगा कि ये एनिमेटेड है, क्योंकि वो एनिमेटेड ही है। तो इसके बाद आप प्रभास का ये वाला शॉट देख सकते हो, जिसमें कि उनके चलने से लेकर उनकी बॉडी और मूवमेंट तक सब कुछ फेक लग रहा है, और बैकग्राउंड की क्या बात करूं, उसको तो बच्चा भी देखकर बता देगा कि ये फेक है, रियल नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले प्रभास की बॉडी देखो, जो कि बिल्कुल चिकनी और फ्रेश और एब्स के साथ दिख रही है, जिसको कि देखकर कोई भी बता देगा कि ये भाई CGI का यूज है, रियल नहीं है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि CGI करने की क्या ही जरूरत थी, लॉर्ड राम को एब्स दिखाने की क्या जरूरत थी। अगर एब्स ही दिखाने थे तो प्रभास सर को जिम में थोड़ा वर्कआउट करवा कर उनका एक रियल शॉट तो लेते, या फिर उनकी बॉडी भी नहीं छोड़ी, उस पर भी CGI चेप दिया। और इसके बाद आप उनके मूवमेंट और चलने का स्टाइल देख सकते हैं, जो कि इतना कार्टूनिस्ट इसलिए फील हो रहा है क्योंकि जिस जगह और जिस लैंड पर वो चल रहे हैं वो वहाँ पहले नहीं थी, उसको बाद में डाला गया है कंप्यूटर की सहायता से, जिसमें कैरेक्टर की मूवमेंट और जो पूरा बैकग्राउंड है उसकी मूवमेंट मैच नहीं कर रही, जिसका मैच करना काफी जरूरी था क्योंकि तभी कुछ रियलिज्म रिजल्ट निकल कर आता। तो इसी शॉट की बात करते हैं एक बार फिर से, प्रभास की बॉडी फेक, उनके चलने का स्टाइल फेक, उनका कैरेक्टर मोमेंट फेक, और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी फेक। तो ये सब देखने के बाद भी मूवी के मेकर्स ये कैसे कह सकते हैं कि ये एक लाइव एक्शन मूवी है, 3D एनिमेशन नहीं, क्योंकि मुझको तो सिर्फ इसमें प्रभास का फेस ही रियल लगा और सब तो फेक ही था। तो मूवी को प्रभास के फेस के लिए देखने चले। तो ऐसे ही मूवी में काफी सारे शॉट्स हैं जिनके ऊपर अगर मैं बात करने लगूं तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो अभी इसी को यहीं तक ही सीमित रखते हैं और आगे देखते हैं। तो हम आदिपुरुष पर बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात और मैं आपको बताना चाहता हूं। तो अभी मूवी की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेज और बड़े बड़े लोगों को मूवी दिखाई गई है, और जिसके बाद मूवी के
डायरेक्टर यानी कि ओम राउत का कहना था कि हमने मूवी को थिएटर्स के लिए 3D में बनाया है, जिसको कि अगर आप थिएटर्स में जाकर 3D में देखोगे तो ही आपको इसके VFX और CGI काफी अच्छे लगेंगे, नहीं तो अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन में 2D में देखोगे तो का वो मजा नहीं आएगा जो कि आपको 3D में देखने को मिलेगा। और इन सब के बाद जो मैंने स्पेशल स्क्रीनिंग की बात कही थी उसके भी रिएक्शंस कुछ ऐसे ही हैं कि मूवी को आप थिएटर्स में जाकर 3D में ही एंजॉय कर पाओगे, ना कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर 2D में। तो ये कितना सच है और कितना झूठ है वो तो सब 12 जनवरी को पता चली जाएगा थिएटर में कि 3D में भी कितना हगती है या फिर बच जाती है, वो तो देख ही लेंगे। क्योंकि मुझको समझ में नहीं आ रहा कि भाई 2D से 3D में जाकर थिएटर्स में जाकर देखने में कितना ही फर्क आ जाएगा, मतलब कितना ही सही कर लोगे यार। चलो वो तो पता चल ही जाएगा जब हम मूवी को जाकर देख लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑडियंस को थिएटर्स में खींचने की एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसको कि काफी बढ़िया तरीके से यूज कर रहे हैं। हालांकि इनको पॉपुलैरिटी तो मिली चुकी है जिससे कि हमको पता लगता है कि क्या तो बहुत अच्छा बनाओ या फिर बहुत बुरा, क्योंकि बीच में बनाओगे तो ना तो पॉपुलैरिटी मिलेगी ना हेट। तो अभी मूवी और उसके ट्रेलर का वेट करते हैं और फिर देखते हैं कि जो इस मूवी के डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि मूवी को 3D में देखने में मजा है वो कितना सही है और कितना झूठ है वो तो पता चल ही जाएगा। तो ये मेरी आदि पुरुष के टीजर पर सेकंड वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो भी बनाई थी जिसमें कि मैंने ये बताया था कि मुझको टीजर में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अगर वो देखनी है तो लिंक ऊपर यहीं कहीं फ्लैश हो रहा होगा, जाकर चेकआउट कर लो। तो इसके साथ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।